नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे करें में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना जो भारत सरकार ने चलाई है। इसमें हम 78 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं। आपने ये हमारी पहली वीडियो देख ली होगी। इसमें हमने आपको बताया था कि 9.20% ब्याज मिलेगा, 14 वर्ष तक पैसे जमा कराने हैं, कम से कम 1,000 रुपये साल के और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। इसके बारे में चलिए कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि कितने बनेंगे। ये देखिए, मान ले यदि हम 1 साल में 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। ये देखिए, 2015 में मान लो हमने 1,50,000 रुपए डाले, तो इसका 13,000 रुपये हमें ब्याज मिल गया, जो कि 9.10% है। ये कम ज्यादा होता रहता है साल के अनुसार। तो हमारे पास उस टाइम 1,63,000 रुपये हो गए। अगले साल फिर हमने 1.5 लाख रुपये डाले, तो हमारे पास इतने हो गए। फिर 1.5 लाख डाले, तो ऐसे करते करते हमने कम से कम 14 साल, जो 2028 आएगा उस टाइम तक, हमने 15-15 हजार रुपये डालने हैं 14 साल तक। तो 14 साल तक डालने के बाद अगले 6 साल 7 साल हमें कुछ नहीं देना, तो हमारे उस टाइम लास्ट में जाके 78,90,763 रुपये हो जाएंगे। ये दोबारा से देख लीजिए, ये 1.5-1.5 लाख रुपए की लाइन है। ये आप इसको गिन के देखेंगे तो 9 लाख के आसपास बनेगा, 9 से भी कम बनेगा, क्योंकि 14 महीने हैं, 14 साल तक देने हैं, क्षमा करें। ये अगर आप साल के दे रहे हैं तो इतने बनेंगे। जैसे साल में एक बार, सबसे पहले मान लो 1 जनवरी को आपने 1.5 लाख रुपए जमा करा दिया, तब आपको मिलेंगे 78,90,763। अगर आप कहते हैं कि मैं एक साथ 1.5 लाख नहीं दे सकता, आप मंथली देना चाहते हैं 12,500 रुपये महीना, तो ये देखिए उसका चार्ट बनाया हमने क्या साइड से लिया है। तो देखिए, 12,500 ये जमा करा रहा है हर महीने, तो 1 साल में 1.5 लाख जमा करा दिया, यहाँ 1.5 लाख आ गया। ये देखिए, लास्ट में जाके जब इसको मिलेंगे 2035 में, तो इसको 75,79,103 रुपये मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि ये थोड़े थोड़े करके दे रहा है, ये 12 महीने तक दे रहा है इसको 1.5 लाख को। और वो जो पहले वाला है, कस्टमर है या जो देने वाला है, जमा कराने वाला है, वो 1 साथ 1 तारीख को जमा करा रहा है, तो इसका 1 साल का ब्याज पहले ही मिल रहा है उसको, और उसको बाद में मिलेगा। तो इसलिए आप जो सा चाहें वो कर सकते हैं। ये हमने ज्यादा बड़ी से बड़ी रकम दिखाई है, आप छोटी से छोटी रकम के साथ भी कर सकते हैं। आप डाकखाने में और बैंक में दोनों जगह ये स्कीम चली हुई है, आप वहां पे जाके इसको करवा सकते हैं। धन्यवाद, आशा करते हैं आपको इसके साथ से समझ में आ गई होगी। मैं इसका एक्सेल की फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से सही चेक कर सकते हैं, या इसकी साइट पे जाके वहां पे चेक कर सकते हैं, या बैंक में जाके पूछ सकते हैं कि हम अगर इतने डालें तो कितने मिलेंगे। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये सरकार द्वारा चलाई गई है, अतः इसको यदि आप इजिबल हैं करवा सकते हैं तो जरूर करवा लें, क्योंकि इसमें 2 पैसे जुड़ जाते हैं और आपकी बिटिया के बड़े होने पर वो आपके काम आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।